एक चीज़ खाली गाना संगीत नहीं होता, और कोई ये समझे भी कुछ बजा दिया संगीत नहीं, तीनों बात जिसमें हो। ये संगीतकारों की सभा थी। शूलभद्र भी गया था, वो भी संगीतकार था। सब ने अपनी अपनी कलाएं प्रस्तुत की। इस कला में कोशागणिका का नंबर आया, उसका नाम लिया गया। वो प्रसिद्ध थी राज्य में अपनी कला के अंदर, उसने अपनी कलाएं प्रस्तुत की, और कला प्रस्तुत करते हुए उस समय सारे दर्शक दुनिया दांतों के नीचे उंगली दबा बैठी, और जो भी लोग समर्थन में आवाज करते हैं चारों ओर से कोशा कोशा की आवाज हुई थी। और हुआ क्या था, वो नृत्य कर रही थी, लोग मंत्रमुग्ध हो उसे देख रहे थे नृत्य को। उसके दासी कोशा की कुछ दूरी पर खड़ी थी, वो बीच में बिजली की तरह से आई और उसके हाथ में थाली थी। थाली में सरसों भरी हुई थी। क्या भरी थी? सरसों। और उसने बड़ी शीघ्रता से वो सरसों वहाँ फर्श पर जहाँ नृत्य वो कर रही थी वहाँ रख दे, और एक लंबी सुई, क्या कहा, सुई, यही कपड़े सीने वाली सुई, सुई उसमें सीधी खड़ी कर दी, नोक ऊपर पीछे का भाग नीचे, और खड़े होकर पीछे हट गई। पल भर में उसने ये काम कर दिया। लोगों को बुरा सा लगा था, तो ये बीच में कहाँ से आ गई, और वह नृत्य करती रही। उसने थाली के चक्कर लगाए और चक्कर लगाए, इस बीच उसने वो काम कर दिया जो मैं बता रहा था कि दुनिया दांतों में उंगली दबा गई। वह कोशा सुई के ऊपर नृत्य करने लगी। ये बड़ा अद्भुत काम था। सुई के ऊपर नृत्य कैसे हो जाए, सुई पाँव में लगेगी। उसने क्या साधा था अपने शरीर को कि वह पाँव नीचे नहीं रखा, अधर्म में रहते उसने उसके ऊपर नृत्य करके दिखाया। सारे लोग स्तंभित रह गए। राजा ने हार उठाकर फेंक दिए गले के, चारों ओर से आभूषणों की वर्षा हो गई, और कहा, ए द्वितीय, ने सुना और ने कभी देखा, दुनिया ने जो पहन रखा था उसके ऊपर फेंक दिया। उसने हाथ जोड़े और वो निकल गई अपना काम करके। आगे भी होना था, पर कोई उसको देखने के बाद बैठा नहीं, कोशा की बात करते हुए लोग निकल गए। शूलभद्र, उसका तो नंबर नहीं आया था। उसने ये भी नहीं सोचा मेरा नंबर आए। उसने कहा, इसके बाद तो बात कुछ रही नहीं गई। मैं मान लूं तलवार के ऊपर नृत्य हो जाए, सुई के ऊपर नृत्य हो। सेवकों ने सारा धन इकट्ठा के उसके घर पहुंचा दिया। ये कुछ खास बात नहीं हुई, बात तो ये भी, ऐसा कैसे कर दिया उसने, ऐसा कैसे हो गया। शूलभद्र ने उसी दिन सोच लिया, मैं इससे कला सीखूंगा, ये मेरे से बहुत आगे है, ये मेरे से बहुत ज्यादा आगे है। ऐसा तो कलाकार आज तक नहीं देखा, कोई नहीं देखा ऐसी अद्भुत कला। समय हो गया, कलाकारों की बात चली तो बस एक बात और सुनाने का लोभ है मन के अंदर। एक कलाकार एक राजा के यहाँ आया, बोला, मैं अपना संगीत सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ, बड़ी खुशी होगी, नगर भर में मुनादी करवा दी। उसका तो नाम इतना बड़ा था, जिसे मैंने भी कथा में बताया, अपने नाम होते दुनिया आई देखने के लिए। और मंच के ऊपर वो कलाकार खड़ा हो गया। राजा भी आया था, वो बोला, महाराज ऐसे तो मैंने सुनाने का, तब बोलो क्या करना है, क्या चाहिए। बोले, 5-7 लोग चाहिए जो जिनके हाथ में तलवार हो। उसने सोचा सुरक्षा के लिए कह रहा होगा, बुलवा देते हैं। वो आ गए,
बोले जी बात सुनो, मैं संगीत गाऊंगा, किसी ने भी अगर गर्दन हिला दी ना जरा सी, उसे गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये तो बड़ी उल्टी बात होगी। सारे कलाकार चाहते हैं भाई लोग ताली पीटें, गर्दन हिलाएं, वाह वाह करें, ये क्या बात। बोले गर्दन किसी की हिल गई तो ये जो खड़े हैं पहरेदार, इनके नजर चढ़ गया, उसी गर्दन उड़ा देंगे। जिसको ये शर्त मंजूर हो वो तो बैठे और नहीं उठ के चले जाओ। कौन मरेगा? दुनिया उठ उठ के चलेगी, कौन मरे? राजा ने कहा इसने किया क्या बताओ? अच्छी भली सभा लगी थी, लोग इसे सुनने को आए थे, सारे भगा दिए, 5-10 लोग रह गए पास के। कलाकार ने फिर कहा भाई इनका ध्यान रखना, अगर गर्दन हिल गई तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो तो पक्के होके बैठ के, नहीं ये सुनना है, मरने का भी डर नहीं, और क्या करना है? संगीत सुनना है। राजा ने भी हाथ यहाँ रख लिए अपने, कहीं गड़बड़ हो जाए, सुनना जरूर था। बंधुओं, उसने संगीत शुरू किया। जब उसकी स्वर लहरियां व्याप्त हुई, जो 5-10 लोग थे वो खो गए अपने आप में, और फिर भी सावधान रहे। एक ने तो खूब से सिर हिला दिया। संगीतकार बोला खड़ा करो इसको, खड़ा करो। वो खड़ा हो गया। तुमने सिर हिलाया था? मैंने मुझे नहीं पता सिर हिलाया, हमने देखा सिर हिलाया था। बोला जी सिर हिलाया था तो सिर काट दो, मैं क्या कह सकता, मुझे नहीं पता। राजा हैरान, झूठी बोल देता, यूं ही कह देता जी मैंने नहीं हिलाया, उस जमाने में तो रिकॉर्डिंग थी नहीं भाई। बोले झूठी बोल देता, पागल है ये आदमी, कह रहा हिला होगा, मुझे नहीं पता, हमने देखा तुमने सिर हिलाया, ये सिर काट दो और क्या करो। अच्छा यहाँ आ जाओ। एक ऐसा डर पैदा हो गया, अब क्या होगा? वो बोला जी काम कर दो, मेरी अंतिम इच्छा। बोले क्या है? बोले सिर काटने से पहले एक बार और सुनवा दो। सिर काटने से पहले और मरने का डर नहीं लग रहा, नुक एक बार और सुनवा दो। उस कलाकार ने कहा राजा से, जो मेरे सारी नाम है वो इसके लिए हैं, इस जैसा श्रोता दूसरा कोई नहीं होगा, जो अपने गर्दन भी दे दे। किसके लिए? सुनने के लिए। बंधुओं, महावीर के लिए हमारी गर्दन ऐसे हो जाएगी, उस दिन हम भी केवल ज्ञान पा लेंगे। तो संख्या नहीं कितनी सारी नदियां सब के सब जा करके समुद्र में मिलती है, फिर भी समुद्र वही है। अन्यथा इतना पानी, इतना पानी हर रोज आता रहे, गिरता रहे, एक दिन तो ऐसा हो। ये भावात्मक बात है कि समुद्र ये कहे कि मैं तो भर गया, अब और नहीं चाहिए। कब से हजारों लाखों वर्ष हो गए नदियां बहती आ रही हैं, समुद्र में गिरने लग रही हैं, समुद्र फिर भी उसी स्थिति में। ये भरने का नाम नहीं लेता। जब भरने की बात आई तो एक और बात कही, इस देहधारी के साथ में मनुष्य का नाम ले लें, देहधारी तो बहुत हैं, इनके साथ में एक चीज लगी है जिसको उदर या पेट कहते हैं। भाइयों, ये भी भरने का नाम नहीं लेता। आप कहोगे नहीं भर जाता है, कोई 2 रोटी में, कोई 4 रोटी में, और कुछ ज्यादा खा ले पेट भर जाता है। भर जाता है फिर दोबारा क्यों मांगते हो? सुबह भरा फिर दोपहर चाहिए, दोपहर भरा फिर शाम चाहिए, और गृहस्थियों को तो बहुतों को रात का विवेक कहाँ है, फिर रात चाहिए।
सुबह से लेकर शाम तक, कभी खाने को चाहिए कभी पीने को चाहिए, कभी पानी चाहिए कभी चाय चाहिए कभी कुछ और चाहिए, सुबह से शाम तक इसके भरने में लगे रहते हैं। और सारा दिन ये काम किया, शाम को आदमी सोया, सुबह उठा और उठते ही फिर चाहिए। पूरे जीवन भर इसको भरने में लगे रहते हैं, फिर भी ये भरने का नाम नहीं लेता। समुद्र पानी से नहीं भरता और ये उदर पेट इस खाने और पीने से नहीं भरता, इसी तरह से ये खाली बना रहता। भाइयों एक और बात कही, उसका नाम शमशान है, जहां पर मृत देहों का संस्कार किया जाता है। शमशान सबके अपने अपने हैं, किसी का कब्रिस्तान है किसी का शमशान है, ये भी भरने का नाम नहीं लेता। शायद कोई भाई आज इस बात पर एतराज भी करे, बोले ना जी कोरोना ने तो भर के दिखा दिया, वहाँ भी लाइन लग गई, वहाँ भी ये स्थिति बनी कि भी नंबर आएगा कि नहीं आएगा, इतने सारे ढेर लाशों के लग गए। वो सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन इसे तो जब देखो ये तो वीरान शून्य मिलता है। कब से वहाँ संस्कार होते आते हैं, फिर भी शमशान खाली का खाली और वीरान का वीरान ही बना रहता है, खाली है। ये भी भरने का नाम नहीं लेता। ये तीन बातें जगत की बताई, संसार की कही, ये भरती नहीं है। लेकिन चौथी जो बात बताई वह तो इन सबसे ऊपर है, और वो क्या है? व्यक्ति की तृष्णा। तृष्णा मन में उत्पन्न होती है, जो तृष्णा है वह तो भरती ही नहीं है। तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, कितना कुछ कर लिया जाए फिर भी कम लगता है, फिर भी मन में इच्छा रहती है और मिल जाए और आ जाए और ले आए। एक कवि हुए, उनका नाम सुंदरदास था। सुंदरदास का एक ग्रंथ है सुंदर काव्य। सुंदरदास ने एक सवैया रचा व्यक्ति के मन की तृष्णा के ऊपर। उसने कहा, जो दस बीस पचास भाई, किसी को दस रुपए मिल गए, गरीब आदमी को, वो दस रुपए का सुख नहीं भोग पाता, उसके तो मन में तृष्णा होती है दस रुपए मिले, बीस होते बीस मिल जाते कितना अच्छा होता, और बीस मिले तो पचास की तृष्णा है, पचास मिल जाए तो सौ चाहिए। सुंदरदास ने क्या बात कही, जो दस बीस पचास भाई, शत होए हजार तो लाख मांगेगी, सौ हजार और लाख की इच्छा पैदा होगी, करोड़ अरब खरब भाई, पृथ्वी पति होने के चाह जगेगी, करोड़ अरब खरब और फिर आगे पृथ्वीपति राजा बन जाए। कहां से बात शुरू हुई और कहां तक आ गए राजा बनने की बात, पर अभी भी संतोष नहीं। अभी भी क्या है, स्वर्ग अमृत पाताल का राज मिले,
तृष्णा तो और ही और बढ़ेगी। अब निगाहें स्वर्ग पर जाती है। ऐसे भी इतिहास में जिन्होंने स्वर्ग पाने की कोशिशें की, कथाएं हैं बहुत सारी, रावण ने भी कोशिश की थी और भी ऐसे राजाओं ने कोशिश की, स्वर्गों का राज्य पालें, पृथ्वी के भी मालिक बन जाएं, स्वर्गों के भी मालिक बन जाएं, फिर आगे तृष्णा तो और से और ही आगे चले। सुंदर एक संतोष बिना तो तेरी ये भूख कभी ना बुझेगी, ये भूख कभी नहीं बुझेगी। इसका तो समाधान एक ही है, जिसको संतोष कहते हैं उससे तो ये भूख मिट सकती है, बाकी पदार्थों से और वस्तुओं से कभी भूख बुझ नहीं सकती। सिकंदर विश्व विजय के लिए चला था, उसने कोई देश जीते, बड़े युद्ध किए, बहुत लोग मारे गए, कभी जौक ने सिकंदर को संबोधित करके कहा सिकंदर के लिए खून के दरिया बह गए। खून के क्या बह गए भाइयों? खून के दरिया बह गए, आलम तहे बाला हुए, संसार में कितना कुछ विनाश हुआ इन लड़ाइयों से और युद्धों से। ए सिकंदर किस लिए ये तूने इतना कुछ किया, खून की नदियां बहा दी, संसार के अंदर इतना तूने कुछ अन्याय और जुल्म किया, किस लिए ए सिकंदर किस लिए?